الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بدن عطا فرمایا ہے وہ ایک پوری حکومت کی زندہ مثال ہے. جیسے ایک حکومت ہوتی ہے، اس میں ایک امیر اور بادشاہ ہوتا ہے جس کے حکم پر سارے کام انجام دیے جاتے ہیں. اسی طرح ہر آدمی کا بدن، اس کے اندر ایک ایسا عضو اللہ نے رکھا ہے جس کو دیگر اعضا پر ویسے ہی پاور ہے جیسے کہ ایک بادشاہ کو اپنی رعایا پر ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پاور ہے. کیونکہ بادشاہ اور رعایا میں تو ایسا بہت ممکن ہے کہ بادشاہ کوئی حکم دے اور رعایا کا کوئی فرد اسے نہ مانے، بغاوت کر دے، انکار کر دے، سرکشی پہ اتر آئے. لیکن دل کی جو حکومت ہے آدمی کے اعضا پر، یہ ایسی پاورفل ہے کہ کوئی عضو انکار نہیں کر سکتا، کمزور کیوں نہ ہو اور بظاہر بے بس کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل آرڈر کر دے گا تو وہ اس کام کو کرنے پر تیار ہو جائے گا. ایسی طاقت اللہ تعالی نے اس عضو کو عطا فرمائی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے، بالکل صحت مند ہے، طاقتور ہے، اسے کوئی رکاوٹ بھی کچھ نہیں ہے بظاہر. آپ اس سے کہیں کہ فلاں نیک کام کرو، اٹھتا ہی نہیں، اذان کی آواز سنتا ہے اور کروٹ بدل کے پھر لیٹ جاتا ہے، چلتا ہی نہیں ہے. کوئی کہے بھی تو کیا جواب دیتا ہے؟ جی نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا، حالانکہ بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں، مگر نہیں ہلا کیونکہ دل کا آرڈر نہیں ہے. اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل اللہ کی نعمتوں کو بھولے ہوئے ہے، اس کا دل قدردانی کے جذبے سے خالی ہے. لہذا سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی یہ آرڈر جاری نہیں کرتا کہ چل کھڑا ہو، تیرے مومن نے آواز دی ہے، تیرے محسن نے آواز دی ہے، تیرے رب نے آواز دی ہے، نہیں کہہ رہا.
दूसरी तरफ आप नजर डालिए, ठंडी हवाएं चल रही है, कोहरा पवा है, पाला पवा है, बूढ़ा आदमी है, बगैर लाठी के उससे चला नहीं जाता, घुटने जवाब दे रहे हैं, मगर फजर की अजान होती है तो ये बिस्तर पे लेटा नहीं रहता, फौरन खड़ा हो जाता है, कमजोरी के बावजूद खड़ा हो जाता है, ठंडे पानी से वुजू कर लेता है, सख्त सर्दी के अंदर घर से बाहर निकल जाता है, अंधेरे के अंदर भी चल करके मस्जिद तक पहुंच जाता है, क्योंकि दिल ने आर्डर कर दिया कि चलना है, चलना है तो चलना है, करना है तो करना है। फिर ये उधर नहीं रहता कि मैं बूढ़ा हूं, सर्दी लग रही है, घुटने नहीं चल पा रहे, नहीं, जब आर्डर हो गया तो अब बिस्तर पे गोया कांटे उगाते हैं, अब उसमें बिस्तर पे रहा नहीं जाता है। तो ये दिल है जिसको अल्लाह ताला ने हकीकी माना में इंसान पर हुकूमत का पावर दे रखा है, लिहाजा जिसका दिल सही हो जाएगा उसकी जिंदगी सही हो जाएगी, और जिसका दिल खराब हो जाएगा उसकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि बादशाह जैसा है प्रजा भी वैसे ही। यही बात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटी सी रिवायत में इरशाद फरमाई, जो हमें हर वक्त पेश नजर रखनी चाहिए। अला खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, कान खोल के सुन लो, बदन में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो बदन ठीक है, वो बिगड़ेगा तो बदन बिगड़ेगा, कान खोल करके सुन लो, वो दिल है। लिहाजा हर मुसलमान को, हर इंसान को अपने दिल को सही करने की जरूरत है। इस दिल के अंदर निफाक ना हो। निफाक का मतलब जुबान से इस्लाम और अमल इस्लाम वाला ना हो, यह निफाक है, अल्लाह को बहुत नापसंद है। इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत ना भरी हुई हो, कि आदमी इतना मगलूब हो जाए दुनिया की मोहब्बत में कि दीन के तकाजों को फरामोश कर दे, ऐसा दिल बीमार दिल कहलाता है। इस दिल के अंदर हसद ना हो, किसी की नेमत को देखकर जलन ना हो, उसके जायल होने का की तमन्ना ना हो। इस दिल के अंदर कीना और कपट ना हो, बोझ और इनाद ना हो, बल्कि नसीहत का जज्बा हो, हमदर्दी का जज्बा हो, शफकत का जज्बा हो, खैर का जज्बा हो। इस दिल के अंदर गुनाहों की तरफ रग़बत ना हो, इस दिल में खशियत हो, खौफ हो, अल्लाह का डर हो। ये दिल अगर इन सिफात से मुंतसिफ होगा तो ये दिल सेहतमंद दिल कहलाएगा, कल्ब सलीम कहलाएगा। और अगर इस दिल के अंदर कीना बैठ जाए, निफाक बैठ जाए, दुनियादारी जड़ पकड़े, आदमी अब्दुल दीनार व दिरहम बन करके रह जाए, हलाल हराम की तमीज उसके दिल से निकल जाए, तो फिर ये दिल सेहतमंद दिल नहीं होगा बल्कि बीमार दिल होगा। उस बीमारी से बचना और बचने की फिक्र करना हर अकलमंद आदमी की जिम्मेदारी है। इसके लिए इलाज है,
और वो इलाज क्या है? अल्लाह की याद। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह लोहे पर जंग लग जाता है और उस जंग को दूर करने के लिए रेती से उसको रगड़ा जाता है जिससे वो जंग दूर हो जाता है, इसी तरह अल्लाह का जिक्र दिल के जंग को दूर करता है। कुरान पाक की तिलावत दिल की बीमारियों का इलाज है। अल्लाह वालों की सोहबत, इससे दिल पर रंग चढ़ता है। इसीलिए हजरत मशायख ने सुलूक व तसव्वुफ के क्या ऊपर मेहनतें की हैं और कर रहे हैं, उन सब का माहजल यही है कि हमें कल्ब सलीम अता हो जाए और कल्ब मरीज से हमें नजात मिल जाए। दिल ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाए। बिगाड़ असल में दिल का है। अभी हजरत मौलाना बयान फरमा रहे थे, दिल का दर्द बयान कर रहे थे, उस सब की जड़ और बुनियाद ही है कि हम बेहिस हरकत हो गए, शुरूर हमारा मजरू हो रहा है क्योंकि दिल बीमार है। जिस दिन ये दिल सेहतमंद हो जाएगा उसी दिन हालात भी बदल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कल्ब सलीम अता फरमाए, हर किस्म की गलतियों से, गलत सिफात से, गलत आदात से हम सब की हिफाजत फरमाए। हकीकी ईमानी सिफात से हमें आरास्ता और पैरास्ता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।